है, कोटा बाईपास का, उसके बारे से बात करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको नज़र आ रहा है कोटा बाईपास का, और ये मैप है जो इस एक्सप्रेसवे का है, और हम इस पोर्शन को आज कवर करेंगे जो कोटा बाईपास है, इसके हवाले से आपको दिखाएंगे कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और इसका क्या स्टेटस है। इससे पहले से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस जनता एम प्रोजेक्ट के हवाले से हम आपको अपडेट कर सकें। ये कोटा बाईपास का काम है जो आपको नज़र आ रहा है, ये फेज़ टू का काम है। दो पैकेजेस थे, पैकेज वन और पैकेज टू। ये पैकेज टू का काम है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर ने काम जारी रखा हुआ है, और ये एक ऐसा पोर्शन है कि जिस पोर्शन के हवाले से बाई एंड लार्ज लोगों को पता नहीं है कि इस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इस पर तेज़ी से कोटा की बैक साइड पर काम जारी है, और हम आपको आगे मैप के जरिए समझाएंगे कि इस पर कितना काम हो चुका है। ये फेज़ वन का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एनएचए ने दिया हुआ है, और फेज़ टू पर ऑलरेडी काम जारी है। ये पोर्शन है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोटा बाईपास है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, और ये इसका मैप है जिसके मुताबिक इस पर काम जारी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोटा बाईपास को के ज़रिए ये रोड यहाँ से बाहर निकलेगी, और यहाँ से जाकर जो लोग जानते हैं जो कोटा के वाले से आज़ाद पतन रोड को जाकर ये लिंक करेगी कोटा शहर से बैक साइड के ऊपर। अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें और क्लोज़ व्यू में देखें तो आपको ये जो ब्राउन हुई लाइन नज़र आ रही है, ये सारी की सारी इस पर काम जारी है, और ये पुरानी रोड है जो नाला लिंक है वहाँ से ये कनेक्ट होती है, और ये जो हमारी डायरेक्शन है ये रावलपिंडी से कोटा की तरफ है, यानी कोटा के बिल्कुल करीब है। यहाँ से बाईपास शुरू होगा पुरानी रोड के बिल्कुल साथ, और यहाँ से ये मूव करता हुआ नीचे ये नाला है जहाँ पे ये काम जारी है, और ये जगह है जिस जगह की हमने कवरेज किया है, एग्जैक्टली ये जगह है। यहाँ पे एक पुल, उसकी कंस्ट्रक्शन होनी है, और यहाँ से ये रोड आपको नज़र आ रही होगी। इस पर जो लाइन्स ये आपको ब्राउन नज़र आ रही है, ये वो लाइन्स हैं जिनके ऊपर काम जारी है और अर्थ वर्क काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। ये वो पोर्शन जहाँ पे पुल तामीर होगा, और यहाँ से अगर आप आगे की तरफ आएँ तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये सारे का सारा अर्थ वर्क इसका इनिशियल स्टेज का कंप्लीट है, और मुख्तलिफ मुख्तलिफ पोर्शन में है, जहाँ जहाँ उनको लैंड अवेलेबल थी वहाँ पर उन्होंने काम शुरू कर दिया, और काफ़ी हद तक उन्होंने इसको इसकी जो असल शेप है उसमें लेके आ चुके हैं। ये पहले कोटा शहर की बैक साइड से गुजरेगी, पहले कोटली कोटा रोड को कनेक्ट करेगी, वहाँ से इसका गुजर होगा, वहाँ से गुजरने के बाद ये आज़ाद पतन कोटा रोड पे जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, जो कचहरी है कोटा की, वहाँ से जाकर इसने बाहर निकलना है। ये आपको जो एरिया नज़र आ रहा है, ये देखें आप, इस पर काम काफ़ी हद तक जारी है, और ये काम काफ़ी हद तक हो भी चुका है बाईपास के ऊपर, जो कि बाई एंड लार्ज लोगों को पता इसलिए नहीं कि बिल्कुल कोटा की बैक साइड के ऊपर ये काम जारी है। ये वो पोर्शन है जहाँ पे आके इसने लिंक होना है, ये तहसील कोट कोटा, और ये ऊपर की तरफ आवासीय होटल है, यहाँ से इस रोड ने जाके इस जगह पर लिंक होना है, ये आवासीय होटल है। ये इसकी जो कनेक्शन है आज़ाद पतन कोटा रोड से, वो तहसील कोर्ट और ये आवासीय होटल इसके दरमियान किसी जगह पर होगा, और यहाँ से ये रोड यहाँ लिंक करेगी आगे बाईपास को। अंताई एम मनसूबा, और इस पे काम जारी है, और इस प्रोजेक्ट का जो ख़ास एक फीचर है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, और जो फेज़ टू है इसका, पैकेज टू है, उस पर ये काम जारी है, और पैकेज वन के लिए उन्होंने दोबारा से रीटेंडरिंग की थी, और उसके ऊपर अभी पेपर वर्क हो चुका है, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी किसी हद तक अवार्ड हो चुका है, इस पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं कि ये वो पोर्शन है जो जिसमें काम कॉन्ट्रैक्टर ने जारी रखा हुआ है, ये साइट है, यहाँ पे आगे पुल तामीर होना है जो हमने आपको गूगल मैप के जरिए दिखाया है, साइट पे बैचिंग प्लांट और पूरे का पूरा एक फुल फ्लेज सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल है जिसके तहत ये काम हो रहा है। इस रोड का जो कंप्लीशन पीरियड है वो एज़ पर डॉक्यूमेंट तकरीबन 1.5 साल तक है मैक्सिमम, लेकिन फेज़ टू के ऊपर आपको काम नज़र आ रहा है, फेज़ वन जो पैकेज वन है इसका, उसके ऊपर फिलहाल काम शुरू नहीं हुआ। ये एक अनताई अहम प्रोजेक्ट है, और ये कोटा के लोगों के लिए और जो लोग इस पे फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं उनके लिए एक अनताई अच्छी खबर है कि बैक एंड के ऊपर बाईपास के ऊपर काम शुरू है, और ये जब काम अपने फुल फुल स्विंग पे होगा तो कोटा बाईपास रोड ऑलरेडी तैयार होगी, और उस पे जो टाइम कंजम्पशन है वो कम से कम होगी कंस्ट्रक्शन की, और जो बाकी पोर्शन है कोटा जो को लिंक करेगा जो कानपुर से, उसके ऊपर अभी काम एज सच नज़र नहीं आ रहा, ना ही शुरू हुआ है, और ये उम्मीद है कि ये इसी फाइनेंशियल ईयर में इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाएगा, और ये मच अवेटेड प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से कोटा से कानपुर का तक का जो सफ़र है वो 20 से 25 मिनट हो जाएगा, जो कि फिलहाल वक्त 1 घंटे से 1.5 घंटे तक है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।